आरटीआई से बड़े खुलासे ने सबकी नींद उड़ा दी है। आवारा गोवंश 1382 और खर्च 25 लाख रुपए महीना, ये वो खर्च है जो नगर निगम हर महीने सड़कों पर घूमने वाले गोवंश पर खर्च करता है। लेकिन फिर भी हालात में सुधार नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये पैसे खाए जा रहे हैं। कौन खा रहा है ये पैसे और ये हिसाब जनता कब लेगी? आरटीआई से ली गई जानकारी के अनुसार हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 45 लाख से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है और हालात जस के तस हैं जो आपके सामने हैं। सैकड़ों गायें व गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, बेसहारा घूम रहे हैं। कचरे के ढेर पर पॉलीथीन खाकर मर रही हैं गायें, तो दूसरी तरफ सड़कों पर रात को बैठने के कारण, गायें के चलने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार जिसने गाय के नाम पे वोट लिए थे, आज गाय की जो दुर्दशा हो है बहुत ही दयनीय है। गाय के साथ साथ लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इन बेसहारा गांव गाय के रख रखाव में हर महीने 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो 25 लाख कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग का बजट 45 लाख से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब गाय के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं और जमीनी सतर पर पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों पर गाय और गोवंश घूम रहे हैं। गायें तो मरी रही हैं, लोगों के साथ दुर्घटनाएं होने से लोग चोटिल हो रहे हैं, मर रहे हैं। आज हमने सुबह 2 बजे सैकड़ों गोवंश और गाय को हाक कर मंत्री आवास पे छोड़ा है। यदि तुरंत इन्हें सड़कों से ना हटाया गया तो फिर से हम ये गोवंश और गाय को हाक कर उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम और मंत्री आवास पे छोड़ेंगे।